दोस्तों ये है जाखिर नगर। अगर मैं इसकी लोकेलिटी की बात करूं तो यहाँ ये साउथ दिल्ली के अंदर आता है। तो यहाँ पर ओखला विहार, जामिया नगर, जोगाबाई एक्सटेंशन एंड बटला हाउस, कालिंदी कुंज, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, गफ्फार मंजिल एंड सो मेनी, ये सारे के सारे एरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये बिल्कुल जाखिर नगर के नियरेस्ट एरिया है। अगर मैं जाखिर नगर की मार्केट की बात करूँ तो जाखिर नगर की मार्केट कुछ फेमस है यहाँ के उमदे खानों से, यहाँ के फेमस स्ट्रीट फूड से। तो आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं जाखिर नगर की कुरेशी कबाब कॉर्नर से। जी हाँ, आपने नाम तो सुना ही होगा कुरेशी कबाब का। अगर आपने कुरेशी कबाब खाए होंगे तो पुरानी दिल्ली में खाए होंगे, लेकिन अब हम आपको बता दें कि इनकी लास्ट 1.5 साल पहले इनकी एक ब्रांच जाखिर नगर में भी ओपन हो गई थी। अगर मैं इसके ओनर की बात करूँ तो इसके ओनर का नाम है मोहसिन कुरेशी। तो आइए हम रूबरू करा देते हैं कुरेशी कबाब से, क्या अंदाज है उनका कबाब बनाने का, किन किन चीजों के कबाब वे रखते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्या स्टाइल है इनका कबाब बनाने का वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, बहुत मजा आने वाला है वीडियो देखने के बाद। और अगर आप वीडियो पूरी देखते हो तो आपका मन कर जाएगा कि हमें भी जाखिर नगर जाना चाहिए और कुरेशी कबाब एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए। वैसे तो आपने पुरानी दिल्ली के कुरेशी कबाब खाए होंगे, लेकिन आपको जाखिर नगर के भी कुरेशी कबाब ट्राई कर लेने हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस आज हम आप पहुंचे हैं कुरेशी कबाब। ये जो कुरेशी कबाब है ये जाखिर नगर की मेन मार्केट है। जाखिर नगर की जो मेन मार्केट है उसी के अंदर ये इनकी जो पुरानी दिल्ली है उन्हीं की दूसरी ब्रांच है यहाँ पर कुरेशी कबाब की। तो आज मैं आपको कम्प्लीट दिखाने वाला हूँ कि भाई कुरेशी कबाब यहाँ पर कैसे बनते हैं और यहाँ पर कुरेशी कबाब खाने के बाद लोगों को कैसे लगते हैं, आज मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। अगर आपने पहले यहाँ पर कबाब खाए हैं तो वो भी मुझे बताना और मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आपने यहाँ पर जाखिर नगर के अगर आपने कुरेशी कबाब खाए हैं तो भाई मेरे को ज़रूर बता देना। और अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं कुछ ऐसा, ये देखिए, वाह, ये देख सकते हैं भाई यहाँ पर क्या किस तरह से इसके अंदर आग लगाई जा रही है। और बहुत अल्टीमेट यहाँ पर एक मैं अगर दिखाने की कोशिश करूँ आपको, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके उतारने का तरीका मतलब कितना अल्टीमेट है और कितनी स्पीडली इनका हाथ चलता है आप वो भी देख सकते हैं। और चलिए अब हम थोड़ा अंदर जाकर के बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो कुरेशी कबाब हैं वो किन किन चीज़ों के हैं। आप यहाँ पर हाथ देख सकते हैं भैया कितना मतलब अल्टीमेट यहाँ पर हाथ चल रहा है और लग रहा है कि काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर एक नॉर्मल बंदा इस तरह से कबाब सीख कर कबाब चढ़ाएगा मतलब उन पर तो शायद इतनी स्पीडली इतने हाथ नहीं बैठता, लेकिन आप देख सकते हैं कि भाई कितने टाइम की प्रैक्टिस है। यहाँ पर काफ़ी टाइम से लोग काम कर रहे हैं इनके साथ, वो भी हम जानेंगे कि कितने साल से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और बाकी आप स्पीड देख सकते हैं भैया की कितनी अच्छी स्पीड चल रही है हाथों की, और आप देख सकते हैं भाई कितनी तेज़ी से हाथ चल रहा है भैया का। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये कुरेशी कबाब आप देख सकते हैं भाई उसमें बटर डल रहा है आप वो भी देख सकते हैं भाई। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इनकी कुछ ये पैकिंग होती हैं, कुछ इस तरह से मशीन है इनकी, ठीक है। और यहाँ पे ओके थैंक यू भैया, ये टिक्का बनता है इनका इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रोटी के अंदर इसको कबाब को टिक्का बना दिया जाता है इसको, बाकी फिर इसको बाद में काट दिया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं ये इनकी पूरी मशीन है जिससे इसको पैक करके, और यहाँ पर आप इनके कुछ अवार्ड्स भी देख सकते हैं, ये इनको यहाँ पर अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं, इनको इनके मैगजीन्स वगैरह में फ़ोटो छपे हैं आप देख सकते हैं। इनकी जो पुरानी जो जामा मस्जिद वाली जो इनकी ब्रांच है ये आप देख सकते हैं उर्दू बाज़ार जामा मस्जिद दिल्ली से हैं, ये इनकी पुरानी ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जाखिर नगर में ये देख सकते हैं आप यहाँ पर मैगजीन में आया हुआ है आप देख सकते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन कुरेशी, यहाँ पे मेरे को हो गया 1.5 साल, इनको तो बहुत टाइम हो गया, कम से कम 10-12 साल हो गए मेरी लेबर को। जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली पे मेरे साथ काम करते थे ये, मतलब मेरी दुकान पर जामा मस्जिद वाली पर। मेरे पास सीख कबाब बनते हैं, चिकन कबाब और मटन कबाब। सीख कबाब का प्राइस 30 रुपये का है और चिकन कबाब का प्राइस 50 का है और मटन का 60 रुपये का। भाई जो भाई की वीडियो को देख रहे हैं लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करते रहें साथ साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कबाब और उसके ऊपर दही,
तो ये देख सकते हैं। और अभी हम उनसे बात करेंगे जो कबाब खा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ लोग कबाब खा रहे हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं भाई कबाब उनको कैसा लगा। तो भाई कैसा लगा कबाब? भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए, बट जो इनकी प्राइम दिल्ली में ब्रांच है वहाँ हम काफ़ी बार जा चुके हैं, बट स्टिल वही सेम टेस्ट है जो रहा है फॉर एवर। बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा खा के। ये आप देख सकते हैं भाई, इनका पैकिंग का तरीका है। और ये इसको मशीन के अंदर रखेंगे, और मशीन के बाद इसके अंदर ये कवर ढकेंगे, और इसके बाद ये इसके अंदर सील पैक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, ये सील पैक हो चुका है, और इसके बाद ये इसको पॉलिथीन में रख देते हैं। ये यहाँ पर पैक हो चुका है। तो भाई अब मेरे लिए स्पेशल कबाब लग रहे हैं, और अभी देख सकते हैं यहाँ पर भाई साहब, ये आप देख सकते हैं भाई मेरे लिए कबाब लग रहे हैं। तो ये देख सकते हैं भाई, यहाँ पर मेरे लिए कबाब लग गए। ये कहाँ का है मोहसिन भाई? ये सीख कबाब है, और ये चिकन कबाब है। ये सीख कबाब, ये चिकन कबाब है, और ये है सीख कबाब, और ये भाई मेरे लिए सैलेड। और अभी हम थोड़ा खा के देख लेते हैं। तो भाई मेरे लिए स्पेशल कबाब लग चुके हैं, ये चिकन का है, और ये बड़े का, और यहाँ पर सैलेड, और ये रोटी। अभी मैं खा के आपको बताने वाला हूँ कि कितना मज़ा आने वाला है। तो अभी मैं सबसे पहले चिकन का ट्राई कर लेता हूँ। वाओ भाई लाजवाब है यार, मज़ा आ गया। अगर आप जाकिर नगर आए हो तो भाई चिकन के अभी बड़े का भी चेक कर लेता हूँ। मज़ा आ गया भाई, अगर जाकिर नगर आ रहे हो तो भाई कुरेशी कबाब मिस मत करना। अगर आपने कुरेशी कबाब मिस कर दिया तो ये समझो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। और अगर आप तक अब अगर आपने पहले यहाँ पर कुरेशी कबाब खाए होंगे तो भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ के आपको कबाब कैसे लगे। मुझे तो बहुत अच्छे लगे भाई। तो गाइस कुरेशी कबाब खा के मज़ा आ गया, और मेरे को बहुत अच्छे लगे यार। अगर जो अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया था भाई, कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो कैसी लगी वो भी मेरे को कमेंट्स करके बताना, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।